धसी गहरी लकीरों में सितक कर कह रही सीता, समय की श्रृंखला में कैद में मुझको छुड़ा डालो, जहाँ सहनाइयों के स्वर संवारे दर्द के मौसम, सुहानी सेज का घूंघट उतारे दर्द के मौसम, मगर प्रतिबिंब हर मैला दिखाए जो दीवारें तोड़कर उस गेह का आंगन बदल डालो, घोटाला देवता के भाल का चंदन बदल डालो। निमंत्रण पत्र देख करके तो खुशी के आंसू छलक गए। हमें विश्वास भी था कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। कल्याण सिंह ने जो कार्य किया ना, अपनी कुर्सी कुर्बान कोई नहीं करता है। इतिहास तो रच दिया योगी मोदी ने, लेकिन भूगोल भी तो लौटा दिया। अब खसरा खतौनी में क्या दर्ज होगा? हिंदू मंदिर, राम मंदिर, दशरथ पुत्र राम का मंदिर, इनके अखिलेश ने भी इनका तख्तता छीना और कभी कुर्सी नहीं मिली। ये श्राप था कार सेवकों का। कार सेवक उठ नहीं रहे थे, बैठे बैठे खिसक के वहां तक पहुंचे। वो कहे हम यही जब तक नहीं हमें जाने देंगे, हम लोग यही प्राण दे देंगे लेकिन जाएंगे नहीं। फोर्स को आदेश हुआ तब गोली चली। वो दीना ना था, भुल्लर ने दरवाजा तोड़ा। ये दरवाजा तो भुल्लर ने ही तोड़ा था, उसको तो हम लोग देख ही रहे थे। सड़क पे तो वो 303 की गोलियां चलने लगी थी, तभी तो भाग के यहाँ आए। कांग्रेस गवर्नमेंट तमाशा देख रही थी। ये सब कुर्सी के भूखे, इनकी जाति क्या है? ये हिंदू नहीं है ये लोग। भाजपा वाले तो हमारे सेवक तो हैं और अखिलेश राजा, अखिलेश राजा बनते हैं। अपने बाप का छीन लिया तो रामलला का भी छीन लेंगे। अयोध्या की रहने वाली ओम भारती पेशे से प्रिंसिपल रही। 1990 में जब अयोध्या पहुंचे कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोली चलवा दी थी, तब लगभग 150 कार सेवक ओम भारती के ही घर रुके हुए थे। ओम भारती के घर रुके कोठारी बंधु सहित 25 से अधिक कार सेवकों की जान चली गई थी, लेकिन 125 कार सेवकों की जान बच गई। अब ओम भारती के पास भी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता आया है। इस मौके पर ओम भारती उस भयावह मंजर को बयां कर रही हैं जब कार सेवकों पर गोली चली। ओम भारती को भी फायरिंग के दौरान गोली लगी थी। सुनिए ओम भारती की जुबानी कार सेवकों पर गोलीकांड की आप बीती। ये मंदिर जी, प्रांगण, यहाँ आपने 125 या उससे हाँ 125 हाँ जी शरण यहाँ पर दिया। 150 लगभग रुके थे और 125 बिल्कुल जीवित बच गए थे। इस कमरे के ये सब बारे में बताइएगा, क्या हुआ था उस समय जब कार सेवक भर गए? तो ये हुआ कि ताला मांगने लगे। गर्ग जी ने कहा तो हमने 2-3 ताले दिए तो एक इसमें बंद हुआ, मंदिर में बंद हुआ। मंदिर के ताले निकाले क्योंकि जंगले उंगले में भी ताला बंद होता था ना, निकाल के दे दिया। उन सब में ताला नहीं बंद था तो उसको जो है अब ताला भी नहीं बंद था और ऐसे देखने से दिखता भी था तो पता लग गया, तो उसको तोड़ दिया। और मंदिर में ताला बंद था तो उनको समझ में, और ये लोग तो सांस खींच लिए थे, ये जो हमारी सीढ़ी धरी है इसको ऐसे बेड़ा करके इसमें भी लटके हुए थे जैसे चमगादड़। जब सब शांत हो गया, गए हमने खोला निकाला। कितने दिन तक रुके हुए थे वो लोग, या आना जाना? हाँ, दिवाली के पहले से आ गए थे। पूर्णिमा को ये जो है मुलायम सिंह का नाटक जो हुआ कुर्सी के लिए, उसमें इन लोगों ने नाटक को यज्ञ बना दिया कि नाटक नहीं है ये यज्ञ है और अब तुम कुर्सी पर नहीं बैठोगे। कंसम तुम, कंस ने उग्रसेन का तख्त ताज छीना, इनके अखिलेश ने भी इनका तख्त ताज छीना और कभी कुर्सी नहीं मिली। ये श्राप था कार सेवकों का और अभी भी नहीं कुर्सी मिलेगी। वजह क्या रही उस समय, क्यों मुस्लिम वोट के लिए? मुस्लिम हमारे हैं भाई। ये बताइए कि यहाँ से जब वहाँ आपकी फोर्स है, आगे पीछे चारों चौरा नाके बंदी है, उनके पास बाहर से भाग के आया है व्यक्ति, चोरी चोरी आया है, आईडी तो है नहीं, रुपए तो 2 जेब में नहीं है, तो वो कैसे जन्मभूमि जात चले जाते हो, मार कर लेते।
दिखाने के लिए कि ताकि दूसरा पक्ष देखे तो हम जीत जाएं। कार सेवकों का दोष क्या था कि उनको इस तरीके से उन पर गोलियां चलाई गई, इस तरीके से उनको उन पर ये आदेश दिया गया गोलियां चलाने का? कार सेवक उठ नहीं रहे थे, बैठे बैठे खिसक के वहां तक पहुंचे। वो कहे हम यही जब तक नहीं हमें जाने देंगे, हम लोग यही प्राण दे देंगे लेकिन जाएंगे तो नहीं। हाँ, इसीलिए गोलियां चली कि ये लोग यहाँ से भागे, कुछ कर नहीं रहे थे, बैठे बैठे श्री राम जय राम हो रहा था। लेकिन फोर्स को आदेश हुआ तब गोली चली। वो दीना ना था, भुल्लर ने दरवाजा तोड़ा, ये दरवाजा तो भुल्लर ने ही तोड़ा था, उसको तो हम लोग देख ही रहे थे, वो अब पहचान भी सकती हूँ। तो कार से उठ नहीं रहे थे, पहले खड़े खड़े चले, तो फिर जब आंसू गैस पड़ी तो बैठ गए। फिर बैठ गए तो बैठे रहते वो लोग, वो तो कहे थे कि हम प्राण रहे चाहे जाए उठेंगे नहीं, ये संकल्प। क्या हो गया था, क्या हिंदू मुस्लिम का विवाद हो गया? विवाद कोई विवाद नहीं हुआ। कोई अराजक तत्व तो छत पर किसी के, देखिए यहीं का कोई रहा होगा, इन्हीं लोगों का रहा होगा, मुलायम सिंह का ही कोई रहा होगा, तो उसने जो है एक ईंटा फेंक दिया, क्योंकि कार्चो के पास तो ईंटा पत्थर का कुछ था ही नहीं। हल्की हल्की सर्दी थी तो कोई कोट सदरी भी नहीं पहने हुए थे, वैसे ही सब थे, तो वो कहाँ से, और छत पे आप चढ़ने देंगे, हम तो ना चढ़ने देंगे, कोई नहीं चढ़ने देगा, तो फिर छत से ईंटा आया किससे? तो फोर्स को छत वाले को ढूंढना चाहिए था, लेकिन वो सब सीखी सिखाई माहौल क्रिएट किया और करके फिर लाठी चार्ज आंसू गैस छोड़ा, फिर नहीं हिले तब गोली चली है। लेकिन यहाँ पर क्या, ये सड़क पे तो वो 303 की गोलियां चलने लगी थी, तभी तो भाग के यहाँ आए। जो कोठारी जो भाई जो, हाँ दोनों भाई इसी कमरे में थे। अच्छा, यही रुके, सबके साथ थे ना। उन पर कब गोलियां चलाई? उनको तो जब अंदर आ गए सड़क पर, सब सबको निकाल दिया, मारपीट करके घायल करके सब भर ले गए, सड़क खाली कर ली। अब ऊपर की फोर्स तो जान रही थी ना, तो भुल्लर ने ये दरवाजा तोड़ा तो उधर से भी फोर्स आ गई, वो फोर्स उधर से आई, वो ऊपर वाले उतर आए, फिर ये दरवाजे फटाफट ये तोड़े। यहाँ अशोक सिंघल छिपे थे 30 तारीख को, तो तब तक सही सलामत था। इतने मोटे मोटे दरवाजे दो दो कमरे के तोड़ दिए, कार से उधर से निकाले और इधर के निकालिए, इतने निकाल पाए थे, बाकी उनको मालूम भी नहीं। वो खिड़की तोड़ा था, उसको तोड़ा था, हम लोग महिलाएं सब अंदर थीं, लेकिन उस खिड़की से अंदर बैठी महिलाएं नहीं दिख रही थी, वहां से वहां तक 3 कमरे थे, 3 भरी थी। माफी भी नहीं मांगा मुलायम सिंह ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी नहीं माफी मांगी, इसीलिए साफ हो गई। राहुल गांधी कितने पे ले आए, पूरे देश में कांग्रेस 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 थी, और फिर वो भी अब बुआ जी की दूसरी कांग्रेस थी, भाभी जी की तीसरी हो गई, बड़के भैया गिरधारी हो तो उनको मार ही दिया लोगों ने, तो उन्हीं के लोगों ने तो मारा।